जी तुम्हारी और मेरी जोड़ी को बिल्कुल फिट मिल रही है। तो अभी हम चंद्रनगर की मार्केट में एक बार आपको ये मार्केट दिखाते हैं। मार्केट किस तरीके से, गांव तो आपको दिखा दिया, किंजाणी गांव कितना खूबसूरत है ना, और काफ़ी अच्छा, मतलब यार वहाँ के जो लोग थे ना वो बहुत ही हम्बल थे, मतलब मिलनसार थे, हम ये कह सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया लगा वहाँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हम गुप्तकाशी की साइड में, और आज वहीं पर स्टे करने वाले हैं, देखते कैसा रहता है वहाँ पर ना, और उसके बाद फिर कल निकलेंगे हम तुंगनाथ के लिए, यानी चौपता के लिए, और वहाँ से फिर तुंगनाथ का ट्रैक करेंगे। तो अभी हम चंद्रनगर से निकल रहे हैं आगे को, थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि यार मेरे माइक का ना विंडशील्ड होता जो वो खो गया यार, हेलमेट के माइक का ना, लेकिन कोई बात नहीं यार, इतना चलेगा, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं गुप्तकाशी में आज का स्टे करेंगे, और वहाँ से फिर तुंगनाथ का ट्रैक करेंगे। तो दरअसल जो इस जगह का नाम है, इस जगह का नाम है चंद्रनगर, जो कि एक छोटी सी मार्केट है, काफ़ी खूबसूरत मार्केट है, और यहाँ से हम निकलते हैं यार, क्योंकि आज हमें टाइम से पहुँचना, हम नहीं चाहते कि अंधेरा हो जाए ना, और थोड़ा बीच बीच में रुकते हुए चलेंगे, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाते हुए चलेंगे। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं लमगोनी गांव में, और यहाँ पर दरअसल रामलीला चल रही है, आज खाने पीने का प्रोग्राम यहीं पर था, काफ़ी बढ़िया खाना था ना, तो मतलब ऑलमोस्ट यार हम यहाँ पर अंधेरे में पहुँचे, बीच का सीन नहीं दिखा पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था, ओबीसी बात है। तो यहाँ पर बेसिकली आज रामलीला हो रही है, यहाँ पर इनवाइट भी कर रखा है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं थोड़ा बहुत आपको रामलीला दिखाते हैं कि किस तरीके से हो रही है, और फिर रामलीला दिखाने के बाद फिर चलेंगे जहाँ पर हम स्टे करें आज, वहाँ पर दिखाएंगे थोड़ा बहुत आपको। तो भाई रामलीला की आवाज़ आने लगी है, और थोड़ी देर में मेरी आवाज़ मतलब बंद हो जाएगी क्योंकि यार वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा, और मैं अनफॉर्चुनेट अभी माइक नहीं लेके आया आपके सामने। आज बोला यहाँ पे सीता हरण होने ही वाला है, तो दिखाते हैं आपको, थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, बस दो तीन मिनट में ही पहुँचाएंगे। से निवेदन करूंगा भाई, समय की बहुत कमी है, तो सब क्योंकि हमारे विधायक जी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके सम्मान में यहाँ पे कहने का कष्ट कर रहे हैं माननीय प्रधान जी ग्राम सभा की ओर से। तुम्हारी और मेरी जोड़ी को बिल्कुल फिट मिल रही है। जिंदगी
दरअसल यहाँ पर पीछे जो स्टेज है उसके पीछे पूरी तैयारी चल रही है, जो आगे कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है ना, उसकी तैयारियाँ चल रही है। तो भाई यहाँ पर रामलीला की बात करूँ ना, काफ़ी बढ़िया चल रही है, मज़ा आया भाई देखने में। आपको वो शॉट दिखा दिए होंगे वैसे मैंने, और यहाँ पर पीछे गए थे जहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी बढ़िया लगा यार सभी से मिलकर। जो मैंने रामलीला देखी ना, हमारे गांव में बहुत पहले हुई थी, हम उस टाइम पे मतलब बहुत छोटे छोटे थे, मुझे लगता है हम थर्ड या फोर्थ में पढ़ते थे आई थिंक, राइट। तब से अब देख रहा हूँ रामलीला और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर इस रामलीला की खास बात ये है कि जो यहाँ पर रामलीला खेली जाती है, जो यहाँ पर लेडीज़ के पार्ट होते हैं वो लड़कियाँ ही खेलती हैं, मतलब औरतें या लड़कियाँ खेलती हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा, और आप लोगों को यहाँ की रामलीला भी दिखा कैसी होती है। अभी अगर हम थोड़ी देर में घर को जा रहे हैं, मतलब कि गेस्ट हाउस पे जा रहे हैं, वहीं पर रुकेंगे, फिर वहीं पर मिलते हैं, फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुप्तकाशी। कल मैंने आपको, कल के इसी व्लॉग में मैंने आपको रामलीला दिखाई थी, जो कि बहुत ही सुंदर हो रही थी ना, बहुत ही प्यारी हो रही थी। तो अभी क्या है कि हम गुप्तकाशी में रुके हैं, यहाँ पर एक गेस्ट हाउस है PWD का, गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर आके रुके थे। थोड़ा सा यहाँ से उस साइड में गुप्तकाशी दिखाता हूँ, गुप्तकाशी बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है बेसिकली ना। तो अगर यहाँ से बिल्कुल सामने देखते हैं थोड़ा बहुत, तो उस साइड में आपको गुप्तकाशी की मार्केट दिखाई दे रही है। मार्केट यहाँ से शुरू हो जाती है और वहाँ तक पूरी। तो हम दरअसल उस साइड में ही गए थे, काफ़ी आगे तक गए थे उस गाँव में ना, काफ़ी बढ़िया लगा, मतलब खाना पीना वहीं पर हो रखा था, पूरा इंतज़ाम बहुत ही मज़ा आया मतलब। और अब हम क्या करें कि यहाँ से जो तुंगनाथ का ट्रैक है ना, तुंगनाथ ट्रैक की तैयारी करें। ऑलमोस्ट सारा सामान मतलब प्रिपेयर हो ही है, सबका सामान प्रिपेयर हो ही गया, सब रेडी हो ही गए, मतलब थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं यहाँ से, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ से आगे को हिमालय देखते हैं, तो हिमालय बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है उस साइड में। थोड़ा सा आगे को चलता हूँ, वहाँ से हिमालय दिखाता है, हिमालय कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना यहाँ से। तो ये है भाई गेस्ट हाउस जहाँ पर हम रुके थे, और यहाँ से अब दिखाता हूँ थोड़ा बहुत हिमालय। नाउ लुक एट द व्यू गाइस, वो चौखंबा दिखाई दे रहा है, चौखंबा पर्वत है बेसिकली ना, तो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और इस साइड में भी देखो, ये ऊपर शायद केदार वैली है, जो इस साइड में पर्वत दिखाई दे रहा है आपको हिमालय, और ये वाला चौखंबा, चौखंबा केदार वैली, केदार वैली चौखंबा। सर ऊपर की केदार वैली है ना ऊपर साइड में, वो जो ऊपर को दिखाई दे रही है। तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा, मज़ा आया मतलब यहाँ तक पहुँचने में। दरअसल हम जब वहाँ से आ रहे थे ना, क्या चंद्रनगर है उस जगह का नाम, शायद चंद्रनगर, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, शायद चंद्रनगर। तो दरअसल अंधेरा हो गया था, तो मैं अंधेरे की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं यार, यहाँ पे रामलीला दिखा दिया आपको, और यहाँ से तो पर्वत दिखाई दे रहा है, बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो वैसे भी कैसा लग रहा है? अरे एकदम झकास। मेन यह है कि इसको अच्छा लगना चाहिए। तो अभी हम क्या करें, नहीं मतलब नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करें, ट्रिप नहीं ट्रैक की प्लानिंग करें। प्लानिंग क्या करें, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी हो ही है, और जैसे कि मैंने बताया था कि तुंगनाथ का ट्रैक करने वाले हैं चौपता के रास्ते से, राइट। तो वो सब दिखाएंगे आज आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगा, और फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट कमिंग ब्लॉग में, मतलब यानी कि तुंगनाथ ट्रैक वाले ब्लॉग में। तो ऐसे करते हैं, मिलते हैं उसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।